हेलो किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी स्टार्ट अ सेकेंड पेपर ऑफ इंग्लिश, दैट इज़ अ इंग्लिश ग्रामर। सो ऑल ऑफ यू प्लीज ओपन योर स्पेलिंग पावर, पेज नंबर 5, लेसन नंबर 1, नोइंग लेटर्स। लेटर्स आप सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये लेटर्स यानी कि अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, क्या हैं आपको पता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। ये सब क्या हैं? हमारे लेटर्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स हैं, जो कितने हैं? 26 हैं। और ये कोई भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है लैंग्वेज की, और इनको हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स। आपने सब ने पढ़ रखा है, आप सबको ए टू जेड पूरा आता है। तो टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 26। नेक्स्ट इज वॉवल। वॉवल के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो कितने वॉवल्स होते हैं इंग्लिश में? फाइव लेटर्स जो हैं उनको हम वॉवल्स कहते हैं। दीज आर ए ई आई ओ यू। ये क्या हैं? फाइव वॉवल्स हैं। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स बाकी जितने भी, टोटल कितने थे? 26 लेटर्स थे। 26 में से आपके 5 तो वॉवल्स हो गए, अब बाकी कितने बचे? 21। तो जो 21 लेटर्स बचे इनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। कौन कौन से हैं वो? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्लू एक्स वाई एंड जेड। नेक्स्ट इज वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर डैट एक्सप्रेस अ करेक्ट मीनिंग इज कॉल्ड द वर्ड। अब इन्हीं अल्फ़ाबेट से या इन्हीं लेटर से जब हम इस तरह से कोई अरेंजमेंट करें इनका कि कोई प्रॉपर मीनिंग निकल के आए, तो हम उसको क्या कहते हैं? वर्ड। ठीक है, जैसे कि आप कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, क्या क्या हैं? एक पिक्चर बनी है गर्ल की, टेबल, लॉयन, एलिफेंट, वैन, काउ, गोट एंड टाइगर। तो समझ में आया हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा अभी तक? सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट्स के बारे में जाना कि टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं जिनको प्रॉपर अरेंजमेंट अल्फ़ाबेट्स कहलाता है, जो कि ए टू जेड जो आपको पता है। साथ ही हमने पढ़ा कि 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू, और बाकी जितने 21 लेटर्स होते हैं रिमेनिंग वो सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। साथ ही जब हम इनका प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं तो उससे हमारे वर्ड्स बनते हैं। नेक्स्ट आइए अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। क्या होगा इसका आंसर? सी लेटर। तो आप लेटर में टिक कर लीजिए। नेक्स्ट इज हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर हैं? 26। तो बी को आप टिक करिए। इन द गिवन सीरीज ऑफ लेटर्स व्हाट आर द वॉवल्स। वॉवल्स बताइए कौन से थे? ए बी सी, कौन सा सही होगा देखिए क्या जी। तो आंसर नंबर सी में आप टिक कर लीजिए। ए ई आई ओ यू जो हैं ये करेक्ट ऑर्डर है। नंबर 4, द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लेटर इज कॉल्ड द। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लेटर, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लेटर क्या कहलाता है? वर्ड। तो आप ए को टिक कर लीजिए। हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश कितने कॉन्सोनेंट हैं? 21। तो आप 21 को टिक कर लीजिए, यानी कि बी को टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीट द अल्फ़ाबेट्स। तो ये आपको सबको ए टू जेड आता है, आप इसको अपने आप से फिल करिए। क्वेश्चन नंबर सी है कंप्लीट द गिवन वर्ड्स पुटिंग द मिसिंग वॉवल्स। यहाँ पे आपको वॉवल पुट करना है। फर्स्ट देखिए पिक्चर किसकी बनी है, क्या है? बॉल। तो बॉल की स्पेलिंग बी ए एल एल, बॉल। तो आपको यहाँ पे ए लिखना है। नेक्स्ट क्या है, क्या पिक्चर है? पेन। तो पेन की स्पेलिंग क्या होगी? पी ए एन, आप ए फिल करिए। नेक्स्ट क्या है, हट।
तो एच यू टी हट। नेक्स्ट क्या है, हैट, हैट बनी ना टोपी, तो एच ए टी हैट। नेक्स्ट इज क्या है, फॉक्स, एफ ओ एक्स फॉक्स। नेक्स्ट इज बस, बी यू एस बस। उसके बाद क्या है, काउ बनी है तो सी ओ डब्लू काउ। उसके बाद कैट, तो सी ए टी कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन लेटर्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर्स दे रखी गई हैं आपको और उसके नीचे उसकी स्पेलिंग को आगे पीछे करके लिखा गया है, तो आप उन अल्फ़ाबेट्स को प्रॉपर, सॉरी उन लेटर्स को आप प्रॉपर अरेंज करके उसकी मीनिंगफुल वर्ड आपको बनाना है। तो फर्स्ट पिक्चर क्या है, पेंसिल, तो पेंसिल की स्पेलिंग क्या होगी, पी ई एन सी आई एल, ठीक है, तो आप यहाँ पे करेक्ट फॉर्म में लिखिए पेंसिल का। नेक्स्ट क्या है, फ्लावर, और आपको क्या स्पेलिंग दे रखी है नीचे, आर डब्ल्यू ई ओ एफ एल, तो ये तो कोई स्पेलिंग नहीं बनी, तो फ्लावर की स्पेलिंग क्या होगी, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर। नेक्स्ट क्या है, चेयर, तो चेयर की स्पेलिंग सी एच ए आई आर चेयर। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट मैंगो, एम ए एन जी ओ मैंगो। नेक्स्ट क्या है, हॉर्स, एच ओ आर एस ई हॉर्स। नेक्स्ट बर्ड, बी आई आर डी बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ई, लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स, तो यहाँ पे आपको पिक्चर देख के उनके नेम लिखने हैं। फर्स्ट क्या है, शीप, तो स्पेलिंग एस एच ई ई पी शीप। उसके बाद क्या है, क्रो, सी आर ओ डब्ल्यू क्रो। नेक्स्ट है बॉल, बी ए एल एल बॉल। नेक्स्ट क्या है, लॉक, ताला है ना, तो एल ओ सी के लॉक। उसके बाद क्या है पिक्चर, काउ की, तो सी ओ डब्ल्यू काउ। उसके बाद क्या है, वुमेन है, डब्ल्यू ओ एम ए एन वुमेन। फिर क्या है, गर्ल है, जी आई आर एल गर्ल। और लास्ट में क्या है, मैन, एम ए एन मैन। तो स्टूडेंट ये आपकी पूरा फर्स्ट लेसन और उसकी एक्सरसाइज है, इसको आप बुक में फिल कर लीजिएगा और कॉपी में करिएगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।